सुप्रभात सभी को, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो यार आज मेरी जिगर की छल्ली अपने घर जा रही है, अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अब उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट माय डे। आ जाओ भाई लोग, सुबह सुबह पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं। हाँ जरूर, मेरे दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पाती। जब कैमरे के सामने जाओ तो कुछ बोला नहीं होता। तो मेरी YouTube की युवा पीढ़ी, चलो आज मेरे साथ कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं, जिसके लिए अभी मैं पकौड़े तल रही हूँ। और पकौड़े तल लेने के बाद कढ़ाई में जितना भी एक्सेस ऑयल है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तेल में कढ़ी नहीं बनाएंगे हम। और इसको निकालने के बाद तड़के के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस जीरा और लाल मिर्च लेंगे। हम बहुत ही सिंपल सी कढ़ी बनाते हैं जो कि हर कोई बना सकता है। और इसके बाद डालेंगे इसमें बेसन और दही का घोल, और उसी में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक सब कुछ मिक्स कर दिया है ऑलरेडी। और एक्स्ट्रा एक्सेस पानी जितना उसमें लगेगा कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो आप देख लीजिएगा। और जैसे इसमें उबाल आए और उबाल आके ऐसे रायता फैले तो उसे फटाफट से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई रायता फैल चुका है, पकौड़े तल चुके हैं और अभी कढ़ी में काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है, सफाई मैंने कर दी थी। तो उसमें पकौड़े ऐड करेंगे और टेस्टी टेस्टी कढ़ी पकौड़ा और चावल खा करके मैं सो जाऊंगी, फिर शाम को उठ के पार्क चले जाऊंगी। वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम है खुशबू एंड यू आर वॉचिंग खुशबू टीवी। तो यार काफ़ी दिनों से ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। और मैं मेरी रूममेट हम लोग अभी पार्क आए हैं, थोड़ा देखकर नहीं लग रहा ना मेरी तबीयत ख़राब है, लेट मी शो यू। यार मैं तबीयत ख़राब में भी बकबक करने का बहुत अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर, क्योंकि कितना ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो लेकिन कुछ खाने का मन करे तो बाहर क्यों ना जाएं। अब लगा ना, क्योंकि सच में ही थी, अभी रूम से वैसे ही निकले थे हम। मैं पूरे 10 मिनट बिता लेने के बाद हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि रूम पर ही ढीकते, क्योंकि हल्की हल्की बरसात हो रही है, और इससे पहले कि बरसात ज़्यादा तेज़ हो रूम पे चले जाते। वैसे भी हम छतरी लेकर के नहीं आए, वो छतरी वैसे भी हम लेकर के कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि वो छतरी भीग जाएगी। डजेंट मैटर, हम भीग जाएंगे, छतरी नहीं भीगनी चाहिए, छतरी नहीं भीगनी चाहिए। जरूर आएगा जब हम बरसात में अपनी छतरी निकालेंगे। वैसे भी ज़माना हो गया, वो अपना काम नहीं कर रही और ना हम अपना काम कर रहे हैं। तो गाइस जब इतनी वीडियो एडिट करते करते ना यार मुझे सच में बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सायनारा।